नमस्कार आई के, के प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं पहला प्रश्न था केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया इसका सही जवाब था ऑप्शन ए ग्वालियर दूसरा प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला वाई एस आर बीमा योजना तेलंगाना राज्य ने लॉन्च की है दूसरा इस योजना के माध्यम से सरकार बीमा के दावे को आसान बनाने के लिए मृतक के परिवार को सीधे बीमा की राशि का भुगतान करेगी और तीसरा योजना के तहत 2021-22 के लिए सरकार ने 750 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है इसका सही जवाब था ऑप्शन सी केवल दो और तीन तीसरा प्रश्न था भारतीय तटरक्षक बल ने तिलांगचांग द्वीप से सात मछुआरों को बचाया है यह द्वीप कहाँ स्थित है इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार अगला प्रश्न था देवेंद्र झाझरिया ने टोक्यो पेरालिंपिक्स के लिए ट्रायल में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए पांचवा प्रश्न था ताल ज्वालामुखी के विस्फोट की चेतावनी के साथ ही आसपास के क्षेत्र को खाली कराने की सलाह दी गई है बताइए यह ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन डी था अगस्त 2021 से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के परिचालन की घोषणा की गई है यह परियोजना किस राज्य की है इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सातवां प्रश्न था उत्तर भारत में चल रही गर्म हवाओं के कारण तापमान में काफी वृद्धि हुई है स्काईमेट ने एक जुलाई के तापमान के आधार पर भारत के शीर्ष दस सबसे गर्म शहरों की सूची जारी की है इनमें सबसे अधिक तापमान किस शहर में दर्ज किया गया इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन बी गंगानगर राजस्थान आठवां प्रश्न था किस भारतीय नदी के जल में हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला वायरस बैक्टेरियोज मौजूद है इसका सही जवाब था ऑप्शन ए गंगा नौवा प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला भारतीय रेलवे ने पहला गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम बेंगलुरु में स्थापित किया है दूसरा यह एक्वेरियम अमेजन नदी के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित एक विशिष्ट जलीय पार्क है और तीसरा इसकी लंबाई तीस फीट है उपरयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है इसका सही जवाब था ऑप्शन बी केवल एक और दो अंतिम प्रश्न था होलकर काल की ऐतिहासिक विरासत लाल बाग पैलेस किस शहर में स्थित है इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन सी इंदौर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न दो जुलाई दोपहर को पिछले साल की तरह ही दूसरी बार सोनिक बूम जैसी तेज आवाज वाली घटना किस शहर में घटित हुई है ऑप्शन है चेन्नई बेंगलुरु मुंबई या फिर नई दिल्ली इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलुरु दो जुलाई दोपहर को पिछले साल की तरह ही दूसरी बार सोनिक बूम जैसी तेज आवाज वाली घटना बेंगलुरु में घटित हुई है कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने भूकंप जैसी प्राकृतिक घटना से इनकार किया है भारतीय वायुसेना ने भी बयान में तेज आवाज का, का कारण बनने वाली किसी भी फ्लाइंग गतिविधि से इनकार किया पिछले साल सोनिक बूम की घटना छत्तीस हजार ऐसी चालीस हजार फीट की ऊंचाई के बीच एयरक्राफ्ट द्वारा स्पीड कम करने के कारण घटी थी एयरक्राफ्ट के सुपरसोनिक से सबसोनिक स्पीड परिवर्तन के कारण सोनिक बूम सुना गया था सोनिक बूम धरातल पर व्यक्ति द्वारा सुना गया बादलों की गड़गड़ाहट जैसा शोर है यह शोर एयरक्राफ्ट या एरोस्पेस वाहन के ध्वनि की गति से तेज या सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने के कारण सुनाई देता है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलुरु हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आज के सेशन का पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है ऑप्शन हैं दो जुलाई तीन जुलाई चार जुलाई या फिर पांच जुलाई इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तीन जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस तीन जुलाई को मनाया जाता है रिबिल्ड बेटर टुगेदर की थीम के साथ इस वर्ष का सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है स्वास्थ्य कृषि उत्पादन रिटेल वित्त आवास रोजगार शिक्षा सामाजिक सेवाओं और कई अन्य क्षेत्रों में सहकारिता का विशेष महत्व है भारत में सहकारिता आंदोलन उन्नीसवीं सदी के अंतिम दौर में शुरू हुआ इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी

केवल एक और दो केवल दो और तीन या फिर एक दो और तीन इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल एक और दो फुकेट द्वीप पर कोविड नाइनटीन की वैक्सीन लगा चुके पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया गया है फुकेट सैंडबॉक्स पहल के तहत पूरी तरह वैक्सीन लगा चुके पर्यटकों को इस द्वीप पर बिना क्वारंटीन के स्वतंत्र रूप से आवाजाही की अनुमति दी गई है थाईलैंड में स्थित यह द्वीप शानदार समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है थाईलैंड का यह सबसे बड़ा द्वीप अंडमान सागर में स्थित है इस इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल एक और दो तीसरा प्रश्न है माउंट शास्ता ज्वालामुखी के पास लगी जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है यह ज्वालामुखी स्थित है, है संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड और इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका माउंट शास्ता ज्वालामुखी के पास लगी जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है यह ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थित है माउंट शास्ता में बोलम टलूम व्डनी और विंटन ग्लेशियर स्थित हैं व्टनी ग्लेशियर कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका चौथा प्रश्न है नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यानों में किए गए शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार एशियाई और अफ्रीकी हाथियों में सामाजिक संरचना भिन्न होती है दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है ऑप्शन है महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कर्नाटक नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यानों में किए गए शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार एशियाई और अफ्रीकी हाथियों में सामाजिक संरचना भिन्न होती है एशियाई हाथी करिश्माई प्रजाति है जिसका मनुष्य के साथ स अस्तित्व का लंबा इतिहास है इसका वैज्ञानिक नाम एलिफेस मैक्सिमस है आई यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार एशियाई हाथी इंडेंजर्ड प्राणी है इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक पांचवा प्रश्न है कोविड नाइनटीन से जुड़ी तैयारियों के लिए किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र ने पीले एम्बर नारंगी और लाल रंग के कोड पर आधारित कार्य योजना तैयार की है ऑप्शन है चंडीगढ़ दिल्ली पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली दिल्ली ने कोविड नाइन्टीन से जुड़ी तैयारियों के लिए पीले एम्बर नारंगी और लाल रंग के कोड पर आधारित कार्य योजना तैयार की है यह कार्य योजना महामारी से निपटने के लिए कई उपाय करने में मदद करेगी इसके माध्यम से सरकार लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध कराने जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करा सकेगी इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली छठा प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है ऑप्शन हैं भोपाल सीहोर विदिशा राजगढ़ और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सीहोर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बनाया जा रहा है यह इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा एक करोड़ चालीस लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है इसके लिए राज्य शासन द्वारा 25 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई गई है इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में मेंटल हेल्थ पर सर्टिफिकेट कोर्स और प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित की जाएंगी इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सीहोर सातवां प्रश्न है भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के परीक्षणों से कोवैक्सीन की प्रभावशीलता के अंतिम विश्लेषण का परिणाम जारी किया है कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कितनी प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है ऑप्शंस हैं बासठ दशमलव चार फीसदी तिरसठ दशमलव तीन फीसदी चौसठ दशमलव एक फीसदी या फिर पैंसठ दशमलव दो फीसदी इसका सही जवाब है पैंसठ दशमलव दो फीसदी भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के परीक्षणों से कोवैक्सीन की प्रभावशीलता के अंतिम विश्लेषण का परिणाम जारी किया है कोवैक्सीन कोविड 19 के नए डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ पैंसठ दशमलव दो प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है यह वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के कारण आने वाली संभावित लहर में सुरक्षा प्रदान करेगी इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी पैंसठ आठवां प्रश्न है गूगल ने डूडल के रूप में लुडुबिक गुटमैन को सम्मानित किया है इन्हें कौन से खेलों का जनक माना जाता है ऑप्शन है एशियन खेल पैरालंपिक खेल कॉमनवेल्थ खेल या फिर ओलंपिक खेल इसका सही जवाब है पैराल खेल गूगल ने डूडल के रूप में लुडुविक गुटमैन को जन्मदिन की एक सौ बाईस के उपलक्ष्य में सम्मानित किया है गुटमैन को पैरालंपिक खेलों का जनक माना जाता है उनका जन्म तीन जुलाई अठारह को टोस्ट जर्मनी में हुआ था गुटमैन ने दिव्यांगों के खेल स्टॉक मैंडविल गेम्स की स्थापना की थी जो इंग्लैंड में पैरालंपिक खेलों के रूप में विकसित हुआ इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पैरालंपिक खेल प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला ओडिशा के बाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 150 गिद्ध देखे जाने के बाद इनके संरक्षण की योजना बनाई जा रही है दूसरा 150 गिद्धों में इजिप्शियन गिद्ध ग्रीफन गिद्ध व्हाइट रम्प्ड गिद्ध और हिमालयन ग्रीफन सहित गिद्धों की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं और तीसरा गिद्धों का संरक्षण केंद्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गनौली रेंज में स्थापित किया जाएगा उपरुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है ऑप्शन हैं केवल एक केवल एक और दो केवल दो और तीन या फिर एक दो और तीन और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल दो और तीन बिहार राज्य के बाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 150 गिद्ध देखे जाने के बाद इनके संरक्षण की योजना बनाई जा रही है 150 गिद्धों में इजिप्शियन गिद्ध ग्रीफन गिद्ध व्हाइट रंप्ड गिद्ध और हिमालयन ग्रीफन सहित गिद्धों की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं गिद्धों का संरक्षण केंद्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गनौली रेंज में स्थापित किया जाएगा गनौली रेंज में पचहत्तर अस्सी गिद्ध देखे गए हैं बिहार सरकार गिद्धों के संरक्षण के लिए नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों को डाइक्लोफिनेट फ्री जोन बनाने की योजना बना रही है इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल दो और तीन अंतिम प्रश्न है कालबेलिया नृत्य के भारतीय पारंपरिक और लोक कलाकार महामारी के दौर में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है ऑप्शन है गुजरात राजस्थान हरियाणा या फिर पंजाब और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान कालबेलिया नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है इसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है यह लोक नृत्य कालबेलिया जनजाति के कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कालबेलिया नृत्य और गीत वर्ष 2010 से यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमिटी की प्रतिनिधि सूची में शामिल है इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की ओडिशा में खुदाई के दौरान चार साल पुरानी बस्ती की खोज किस जिले में की गई है ऑप्शन हैं कटक बालासोर कोरापुट या फिर कंदमाल इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद